Oswald. अरे विनी, डेजी कितनी अच्छी है ना, अपने बागीचे से हमें टमाटर लाकर दिए। मुझे बहुत पसंद है ये लाल रसीले पके हुए टमाटर। वाह, एक मिनट, क्यों ना हम अपना खुद का टमाटर का बागीचा बनाएं? फिर हर दिन हम ताजा टमाटर खा सकते हैं। चलो दोस्त। यहाँ पर धूप ज्यादा है और यहाँ पर छांव ज्यादा है। ओ हाँ, ये जगह बिल्कुल सही है हमारे टमाटर के बागीचे के लिए। सही छांव, सही धूप। चलो टमाटर का एक पौधा खरीदते हैं। हेलो बिंगेट। हेलो ऑस्वाल्ड। हेलो विनी। कहो, क्या मदद कर सकती हूँ? हम एक बागीचा बनाना चाहते हैं। ओ बागीचा, मुझे पता है तुम्हें कौन सा पौधा चाहिए। गाजर, ये मैंने खुद उगाया है ना खूबसूरत? हाँ हाँ, पर हमें तो टमाटर का बागीचा बनाना है बिंगेट। या तरबूज, क्या इससे बढ़िया तरबूज देखा है तुमने ऑस्वाल्ड? सच कहना। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ मुझे टमाटर का बागीचा बनाना है। अभी लो। अरे शायद यही टमाटर का पौधा है। आहा, ये वाला पौधा तो बहुत ही निराला पौधा है ऑस्वाल्ड। और इसमें से हर रात एक टमाटर उगता है। एक टमाटर काफी है हम दोनों के लिए, है ना? मदद के लिए शुक्रिया बिंगेट। ये तो मेरा फर्ज है। चलो दोस्त, अपना टमाटर का पौधा लगाते हैं। चलो शुरू करते हैं। टमाटर उगाए बागीचे में, खोद जमीन गोल गोल और इसे फिर रखे यहाँ। उगेगा फल कल यहाँ, जरा थपथपाओ खूब सजाओ, पानी छिड़काओ फिर देखते जाओ। छोड़ दो रात भर, सुबह होगी तो टमाटर। चलो हो गया, अंदर चलकर टमाटर के उगने का इंतजार करते हैं। गुड नाइट टमाटर के पौधे। देखो विनी, एक टमाटर कितना रसीला लग रहा है। मैं इंतजार नहीं कर सकता कब ये लाल रसीला टमाटर। पर ये क्या, कोई हमारा टमाटर आधा खा गया? पर कौन? देखो विनी, ये दोनों हमारा टमाटर खा रहे हैं। इन्हें भी लाल रसीला पका हुआ टमाटर पसंद है। ये भी ले लो दोस्तों, लगता है हमें एक और टमाटर का पौधा लगाना पड़ेगा। एक इनके लिए और एक हमारे लिए। चलो बिंगेट के पास चलते हैं। बागीचे के लिए कुछ चाहिए? हाँ। ओ, मैं समझ गई।
तुम्हें चाहिए मूंगफली का पौधा। असल में बिंगेट, हमें एक और टमाटर के पौधे की जरूरत है। ये वाला अच्छा है। हमारे पास दो पौधे होंगे, एक होगा हमारे लिए और एक उन स्नेल्स के लिए। थैंक यू बिंगेट। अरे कोई बात नहीं। चलो काम पूरा हुआ, अंदर चल के अपने टमाटरों के उगने का इंतजार करते हैं। गुड नाइट टमाटरों के पौधों। अरे वाह, दो दो टमाटर, दो बड़े लाल रसीले पके हुए। ये क्या हुआ, दो छोटे स्नेल्स इतने बड़े दो टमाटर कैसे खा सकते हैं? अरे विनी, यहाँ तो दो नहीं बल्कि चार हैं। इन्हें भी लाल रसीले पके हुए टमाटर पसंद हैं। ये भी ले लो दोस्तों, लगता है हमें और टमाटर के पौधों की जरूरत होगी विनी। चलो वापस बिंगेट के पास चलते हैं। हेलो बिंगेट। ओह हेलो ऑस्वाल्ड, मुझे लगा था कि तुम जरूर वापस आओगे। इसे जरा देखो, है ना अजीब सा जेली बेरी पौधा। नहीं बिंगेट, हमें टमाटर के और पौधों की जरूरत है। देखो इतने से ही बचे हैं। एक दो तीन चार, ये सारे दे दो। अब तो सबके लिए काफी टमाटर होंगे। थैंक यू बिंगेट। अरे कोई बात नहीं। बस अब हमारा काम हो गया, अंदर चलकर इन टमाटरों के उगने का इंतजार करते हैं। गुड नाइट टमाटरों के पौधों। वाह जरा इन टमाटरों को तो देखो, सभी लाल रसीले और पके हुए हैं। पर शायद ये भी। अरे ये क्या, वीनी जरा इन टमाटरों को देखो, सभी आधे खाए हुए हैं। अरे ये बागीचा तो स्नेल से भरा हुआ है। बस और नहीं, मैं टमाटर के पौधों को अंदर ले जाता हूँ जहाँ इन्हें कुछ नहीं होगा। चलो वीनी। वैसे विनी, हम ये सारे टमाटर इनके साथ बांट भी सकते हैं। मैं जानता हूँ कि इन स्नेल्स के लिए और क्या करना चाहिए। चलो विनी काम पर लग जाते हैं। चलो हमारा काम हो गया,
चार पौधे स्नेल्स के लिए और दो हमारे लिए वेनी। गुड इवनिंग, ये आपके लिए, मजे से खाइए। इस तरफ आइए, ये होटल आप ही का है। आखिर में एक लाल रसीला पका हुआ टमाटर।